कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ ये है वैगनआर स्टिंगरे हाइब्रिड। इस गाड़ी के मैं आप लोगों के लिए पहले भी रिव्यू लेके आया हूँ और ये जो गाड़ी है ये फॉर सेल है, ठीक है। अगर हम इस गाड़ी के वेरियंट की बात करें तो ये वैगनआर स्टिंगरे है, टर्बो है और हाइब्रिड है। ये 2017 मॉडल है और 2017 की इम्पोर्ट है और गाड़ी जो है वो 60,000 किलोमीटर चली हुई है और इस गाड़ी की जो डिमांड है वो 3550 है, मतलब 3550,000 इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस गाड़ी के कलर की बात करूंगा। ये वाला कलर जो पर्टिकुलर है ये मैंने वैगनआर स्टिंगरे में पहली दफ़ा देखा है और ये गाड़ी जो है इस कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हैं। अगर हम गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट पर आपको जो है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, LED DRLs हैं आपके पास, जो है वो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे LED आपके पास फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। और आप गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट देख सकते हैं, गाड़ी की जो फ्रंट ग्रिल है ये क्रोम और पियानो ब्लैक की फिनिश में है जो कि गाड़ी की लुक को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर देती है। गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम गाड़ी की जो है वो साइड प्रोफाइल पर चलते हैं और मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर आ जाए तो सबसे पहले हम गाड़ी के रिम्स की तरफ आते हैं। गाड़ी के अंदर आपको 50 इंच के अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, उसके अलावा गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स आपको मिल जाती हैं, गाड़ी के अंदर आपको फेंडर पर हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है और उसके अलावा गाड़ी की आप पूरी साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर आपको जो है वो डिटेक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं और साइड मिरर्स में इंडिकेटर LED मिल जाते हैं। गाड़ी के जो डोर हैंडल्स है वो क्रोम में है और ये गाड़ी के ओवरऑल आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम गाड़ी की बैक की तरफ आ जाएँ तो गाड़ी की बैक आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको सबसे पहले ऊपर एक एंटीना मिल जाता है, उसके अलावा पीछे ब्रेक लैम्प अवेलेबल है, पीछे स्पॉइलर लगा हुआ है, पीछे आपको बैक स्क्रीन का वाइपर मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी की जो बैक लाइट्स हैं वो क्रिस्टल है बैक लाइट्स हैं और ये भी जो हैं वो LED के अंदर है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और ये गाड़ी की ओवरऑल बैक लुक है। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, गाड़ी के अंदर आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है विद पुश स्टार्ट और गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं। आपने मेरी पहली भी जो है वीडियो देखी हुई है वैगनआर स्टिंगरे की, गाड़ी का जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है इसका। उसके अलावा अगर हम ड्राइवर साइड पे आ जाएं, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो है वो मिल जाती है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है, ये प्लास्टिक है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं, सारे विंडोज़ के कंट्रोल, साइड मिरर के कंट्रोल इसके अंदर इस साइड पर आपको अवेलेबल हैं। गाड़ी के अंदर सोफ़ा सीट्स आपको मिल जाती हैं। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठ के मैं आपको इंटीरियर दिखाऊं तो गाड़ी के अंदर आपको जो है कंफर्टेबल गाड़ी का बहुत अच्छा है सोफ़ा सीट्स की वजह से। उसके अलावा गाड़ी का जो स्टेयरिंग है इसके अंदर आपको इसके ऊपर जो है ये स्टेयरिंग कवर हुआ हुआ है और ये काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग कवर है। इसका अपना जेन्युइन भी स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा मतलब नीचे से होता है लेकिन इसके ऊपर आपको स्टेयरिंग कवर मिल जा रहा है कार्बन फाइबर वाला और ये काफ़ी इस पर अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूट कर रहा है। गाड़ी का जो मीटर है ये आपको सेंटर में मिलता है और इसके अंदर आपको RPM और स्पीडोमीटर अलग अलग मिल जाता है, साथ आपको एक बड़ी स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जिसके अंदर आपकी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग है इसके अंदर आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स गाड़ी के अंदर हैं। उसके अलावा अगर हम सेंटर में आ जाएं यहाँ पर आपको एक बड़ी स्क्रीन मिल जाती है जो कि एंड्रॉयड है। यहाँ पर आपको CVT ट्रांसमिशन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं। गाड़ी के अंदर हीटेड सीट्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा चार्जिंग डॉग नीचे आपको मिल जाती है। अगर इस साइड पे हम आ जाएं, मुझे यहाँ से धो के आपको दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको एंटी कोलिजन की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है। तो ये गाड़ी का फ्रंट से ओवरऑल इंटीरियर है। यहाँ पे आपको सन वाइजर्स के अंदर दोनों साइड पे सारी जैपनीज गाड़ियों में दोनों साइड पे आपको मिरर मिल जाते हैं और इसके अंदर जो मिरर है वो सिंपल है, आपको ऑटो डिमिंग मिरर इस गाड़ी में नहीं मिलता।
अब हम गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ चलते हैं और मैं आपको बैक सीट्स के बारे में बताता हूँ। व्यूअर्स, अगर हम गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आपको जो है सेम पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, क्रोम डोर हैंडल्स हैं गाड़ी के और सोफा सीट्स हैं गाड़ी की। तो गाड़ी के अंदर जो है लेग स्पेस तो बहुत ही एम्पल है और पीछे आपको अगर हम कंफर्टेबल की बात करें, कंफर्टेबल भी काफ़ी अच्छा है। गाड़ी का इंटीरियर भी पीछे से देख सकते हैं, गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 660 cc KTM जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें अगर किसी गाड़ी का सबसे खूबसूरत इंटीरियर है ना तो मुझे अब तक जो है सुजुकी वैगनर स्टिंगरे का लगा है। और इसका इंटीरियर वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही एक लग्जरी लुक प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स, यही था वैगनर स्टिंगरे हाइब्रिड का ओवरऑल रिव्यू और ये गाड़ी फॉर सेल है। इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वीडियो के स्टार्ट में दी है। ये गाड़ी जावर मोटर पे अवेलेबल है, अगर आप ये गाड़ी देखना चाहें आप जावर मोटर पे आ भी सकते हैं। मैं नीचे डिटेल्स में जो है लोकेशन और फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा। और अगर आप गाड़ी आपको गाड़ी की और भी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप जावर मोटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।